अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो गाइड करूंगा वो दो टॉपिक हैं। एक तो आलमी मौसमियाती अवामिल, इनकी करंट कंडीशन किस तरह की है, और सेकंड जो बात करूंगा आप लोगों से कराची समेत पाकिस्तान में अगले 15 दिन के मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को गाइड कर दूँ कि किस तरह का मौसम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काइंडली वॉच कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं आलमी मौसमियाती अवामिल की ताज़ा तरीन सूरत हाल किस तरह की है। तो यहाँ मैंने कुछ नेम आप लोगों के लिए मेंशन किए, और इसके अलावा जो है करंट कंडीशन या इनका करंट स्टेटस किस तरह का। नीनो 3.4 की जो वैल्यू है वो 1.05, इंडियन ओशन डायपोल की जो वैल्यू है 0.95, MGO की जो वेव है उसकी फेस टू पर है, और साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स जो है -0.3 के ऊपर है। तो ये बेसिकली ये फैक्टर्स होते हैं जो कि मौसम में तब्दीली ला रहे होते हैं, और स्पेशली जो है इसमें जो ख़ास तौर पे साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स, MGO और इंडियन ओशन डायपोल। तो अगर इंडियन ओशन डायपोल की पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूँ तो कल मैंने कम्युनिटी सेशन में मैंशन भी किया था कि IOD जो है पॉजिटिव की तरफ है, और इंशाल्लाह ये जो है थ्रू आउट द मानसून सीज़न जो है ये पॉजिटिव रहेगा। हालांकि जो इस वक्त नीनो एलिनियो की कंडीशन है, सुपर एलिनियो की फेज़ में, और आने वाले फेज़ में न्यूट्रल के ऊपर जाएगा। तो IOD के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट करूं कि जो इसकी वैल्यू स्पेशली जो कि कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी, इनकेस अगर ये +1.2 के ऊपर आती है वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव की तरफ होगा, तो मॉनसून के ऊपर इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो फर्दर जो इंडियन ओशन डायपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट होगी इन फ्यूचर आप लोगों के साथ जो है मॉनसून के सीज़न में भी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो अब बात कर लेते हैं अगले 15 दिन तक मौसम किस तरह का होगा ओवरऑल पाकिस्तान में, और खुसूसन कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट 15 डेज़ की फोरकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप लोगों को करंट कंडीशन गाइड कर देता हूँ कि जो WD है वो आज भी बारिशों का बाइस बन रहा है, ख़ास तौर पे चित्राल, धीर वगैरह में जो कि पाकिस्तान के सयाती मुकामात हैं, इन इलाकों में जो है आज भी रेन एक्टिविटी हुई है, और आने वाले दिनों में जो है रेन एक्टिविटी स्पेशली जो देखने को मिलेगी वो KPK के रीजन गिलगित में, और पंजाब के वो इलाके जो कि KP से कनेक्टेड हैं इसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो बलाई इलाकों में जो है ऑफ एंड ऑन जो है 10 तारीख तक ख़ास तौर पे दो सिस्टम अफेक्ट करेंगे, 1, 7 और 8 को भी करेगा, लेकिन वो बलाई इलाकों तक महदूद रहेंगे। हालांकि जो दीगर इलाके हैं पाकिस्तान में वो वहाँ पे जो है काफ़ी हद तक मौसम जो है वो क्लियर है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब, बस्ती सिंध, बलाई सिंध और मशरक़ी सिंध की पट्टी में तो गर्मी की सूरत हाल है और टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, जबकि कराची में जो है सी ब्रीज आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो WD के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर गाइड करूं आप लोगों को तो एक सिस्टम जो है ख़ास तौर पे 12 तारीख को जो है वो पावरफुल WD होगा, वो बारिश का बाइस ज़्यादातर इलाकों में पाकिस्तान के बन सकता है। जहां तक WD के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैंने हमेशा गाइड किया कि WD जो है 12 महीने जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो गर्मियाँ आ जाती हैं यानी कि सन जो है इक्वेटर से करीब होता है और जैसे ही ये नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा होता है तो WD जो होते हैं वो अपर एल्टीट्यूड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो एक क्लिप जो था मैंने लास्ट ईयर 29 अप्रैल के बारे में एक वीडियो लास्ट ईयर जो थी अपलोड की थी, और कराची में जो थी बारिश हमें देखने को मिली थी, और वो जो बारिश हुई थी वो WD से हुई थी। तो ये लास्ट ईयर का क्लिप है जो कि मैंने लास्ट ईयर डाला था। तो बताने का मकसद है कि अप्रैल तक भी जो है WD आ सकते हैं, क्योंकि एक रेफरेंस मैंने आप लोगों को पिछले साल का दिया है। अब बात करते हैं कि ख़ास तौर पे ईद के दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई रेन एक्टिविटी खुसूसन कराची में देखने को मिल सकती है। तो अभी तक की जो मॉडल प्रोजेक्शन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिफरेंट मॉडल डिफरेंट प्रोजेक्शन दे रहे हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को ख़ासतौर पर साउथ इंडियन ऑसिलेशन इंडेक्स के बारे में बताया कि अगर वो नेगेटिव होता है और हालात साजगार रहते हैं तो एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि
कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को कहा कि डब्ल्यू डी जो होते हैं ये नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर होते हैं और हमारा कराची साउथ जोन पे है। हालांकि जो मॉडल है खासतौर पे जीएफएस का मॉडल और एआई मॉडल जो ये न्यू मॉडल आया है ईसीएमडब्ल्यूएफ का, तो दोनों मॉडल को अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेन एक्टिविटी सेन में बलूचिस्तान के एरिया में इंक्लूडिंग कराची में भी जो है कुछ एक्टिविटी शो हो रही है। तो इस डब्ल्यू डी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को गाइड करूँ तो ये डब्ल्यू डी जो है खासतौर पर 10 तारीख के बाद असरअंदाज होगा और जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो 12 तारीख से असरअंदाज होगा, 13, 14 तारीख मैक्सिमम 19, 20 तारीख तक जो है ये ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान में रेन का बायस बनेगा। कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से कराची वालों को ये गाइड करूँ, जिस तरह जो कुछ मॉडल शो तो कर रहे हैं जिसमें जो एक्टिविटी रेन जो दिखा रहा है वो ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के एरियाज़ में तो रेन एक्टिविटी हो रही है जनूबी इलाकों में, हालांकि अभी जनूबी इलाके बलूचिस्तान के भी काफ़ी हद तक मौसम क्लियर है लेकिन जो मॉडल है वो तो शो कर रहे हैं क्योंकि हालात अगर साजगार हुए तो रेन एक्टिविटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो कराची वालों को ये डेट मैं बता रहा हूँ कि 12 या 13 तारीख को जो है रेन एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है कराची के अंदर। बाकी इस सिस्टम के ऊपर जो है नज़र रखेंगे इंशाल्लाह और फर्दर भी जो है इन मॉडल्स को चेकआउट करते रहेंगे क्योंकि मॉडल में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और किस तरह का कंडीशन होती है आने वाले दिनों में, तो फर्दर आप लोगों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक जो है नेक्स्ट 10 डेज़ जो है वैसे तो वेस्ट कराची में ज़्यादातर मौसम क्लियर होगा और सी ब्रीज जो है आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन इसी तरह मिलती रहेंगी, हीट स्ट्रोक के फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है लेकिन ख़ास तौर पे 8-9 तारीख तक गर्मी की शिद्दत आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल सकती है स्पेशली बस्ती सिंध में और उसका इम्पेक्ट जो है कराची में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये थी वेदर फोरकास्ट नेक्स्ट 15 डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो है आप लोगों को मजीद मौसम के मुताबिक गाइड करूंगा और वीडियो जो है एक दिन की गैप से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोई अभी एक्टिविटी मेजर एक्टिविटी तो हो नहीं रही है जिसकी वजह से मैंने खुद भी गैप रखा हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से काइंडली कमेंट्स कर दीजिएगा और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा तो कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर भी आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।